हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से लेके आ गई हूँ एक न्यू वीडियो जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड को सिर्फ एक क्लिक में चेंज। अगर आपका बैकग्राउंड कुछ मेरी तरह है, यानी एकदम रूखा सूखा, वाइट, ब्लैक, ग्रीन, कोई सा भी कलर का, और आप चाहते हैं कि आपके बैकग्राउंड में एकदम तड़कता भड़कता चटकता सा सेटअप हो, तो आप कर सकते सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक में अपने बैकग्राउंड को चेंज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो फटाफट से वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा गाइस, क्योंकि ऐसे वीडियोस रेगुलर मैं आप लोगों के लिए लेके आते रहती हूँ। और दूसरी चीज़, मैंने टारगेट रखा है 5000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने का फरवरी के एंडिंग तक। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मैं अपने टारगेट में अचीव कर सकूँ। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहले हमको चले जाना होगा कैपकट एप्लीकेशन में। कैपकट एप्लीकेशन में जाने के बाद हमको क्लिक कर लेना होगा न्यू प्रोजेक्ट में। जैसे हम लोग न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करेंगे, यहाँ पे पहले आपको गूगल से कोई भी बैकग्राउंड जो आपको पसंद है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। एज अ लड़की, मैं एक लड़की हूँ तो मैंने कुछ इस तरह का लिया हुआ है, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल में ले लिया, लेकिन इतना ज़्यादा भी चटक मटक मुझे नहीं पसंद। मैंने एक फ़ोटो ले लिया है एज अ बैकग्राउंड। अब आपको करना क्या होगा, फ़ोटो लेने के बाद आपको वो वाली वीडियो ले लेनी होगी जिसका आपको बैकग्राउंड करना है चेंज। तो उसके लिए यहाँ नीचे आप देख सकते हो ओवरले का ऑप्शन दिया होगा, आपको क्लिक कर लेना है ओवरले में। जैसे ही ओवरले में क्लिक करोगे, वहाँ पे ऐड ओवरले में क्लिक करो और वो वाली वीडियो आप ले लो जिसका आपको बैकग्राउंड चेंज करना है। यहाँ से मैं अपनी एक वीडियो ले लेती हूँ जिसका मुझे बैकग्राउंड चेंज करना है, तो मैं कोई से भी अपनी वीडियो को चूज़ कर लेती हूँ यहाँ से। तब तक आप कमेंट में बता सकते हो कि आप ये बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आप रील्स के लिए कर रहे हो या फिर यूट्यूब के लिए। तो हमने, आप देख सकते हो, हमने यहाँ पे ले लिया अपना एक वीडियो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो जिसका बैकग्राउंड वाइट कलर का है कुछ, ठीक है। अब मैं तो गरीब यूट्यूबर, मेरे पास कोई सेटअप वेटअप है नहीं, ठीक है। तो ऐसा वीडियो आपको ले लेना है। अब यहाँ पर आपको नीचे में मिल जाएगा बैकग्राउंड, रिमूव बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये रिमूव बैकग्राउंड में आपको क्लिक कर लेना है, तो आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे। या तो आप क्रोमा की से डायरेक्टली यहाँ पर आप कलर सेलेक्ट करके और जो है आपका बैकग्राउंड का जो कलर है वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। या फिर सेकेंडली में आपके पास ऑप्शन रहेगा क्रोमा की, अगर आप यूज़ नहीं करते हो तो डायरेक्ट रिमूव बैकग्राउंड में ही क्लिक करो। अब अपने से आराम से जो है आपका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा। तो देख सकते हो कुछ इस तरह से। अब बोलोगे थोड़ा सा तो अलग दिखाई दे रहा है कि भाई ये पता चल रहा है कि एडिटिंग है, तो बिल्कुल एडिटिंग नहीं पता चलने देंगे हम हमारे पास आए हो आप। तो करना क्या आपको, आपको यहीं पे नीचे में देख सकते हो, यहाँ पे ना नीचे में ये मैं थोड़ा सा देखो चला के दिखा रही हूँ, तो पूरा पता चल रहा है साफ साफ क्या है कि आपका जो ये वीडियो है अलग है, ठीक है। मतलब पता चल रहा है कि एडिटिंग हुई। तो नीचे में ही आपको करना क्या है, वीडियो में क्लिक करके एडजस्ट का ऑप्शन दिया रहेगा। एडजस्ट का ऑप्शन के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, अपने बैकग्राउंड के हिसाब से अपनी ब्राइटनेस को ज़्यादा कम कर सकते हो यहाँ पे, उसके बाद कॉन्स्टेंट कर सकते हो फिर, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी वीडियो को एडिट कर सकते कि ऐसा लगे कि वो सेटअप एकदम ओरिजिनल है और आप एकदम एग्जैक्ट ओरिजिनल प्लेस में खड़े होकर वीडियो बना रहे हो, ठीक है। तो अब क्या है कि मैं गरीब यूट्यूबर, मेरे पास इतना सेटअप वेटअप नहीं है, तो मैं ये ऐसा एडिटिंग वेडिटिंग कर लेती हूँ। लेकिन आप चाहते हो कि थोड़ा सा मैं भी फेस कैम में आऊँ, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। कमेंट्स में बताना मत भूलना कि आपने ये बैकग्राउंड चेंज वाली जो एडिटिंग है वो किस लिए सीखी है, रील्स बनाने के लिए या फिर यूट्यूब चैनल के लिए सीखी है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप क्वेरीज कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक यू।